हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू ई पोलिटिकल साइंस लेक्चर एंड माय चैनल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन एयर मेथड इन सर्वे रिसर्च सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्नावली विधि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और ये जो टॉपिक है ये पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के पेपर में है और फोर्थ सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का है ये पार्ट सो लेट स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक ऑन क्वेश्चन एयर मेथड सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर बिगनिंग द क्वेश्चन एयर मेथड इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं पूरे इस uh, जो uh, आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें क्वेश्चन एयर एग्जैक्टली क्या होता है और क्वेश्चन ईयर के विभिन्न जो जो टाइप्स हैं और एक गुड क्वेश्चन एयर हम किसे कहेंगे क्या उसके जो बेनिफिट्स हैं क्वेश्चन एयर मेथड फॉलो करने के और क्या समस्याएं और लिमिटेशंस हैं हम सर्वे रिसर्च में अगर हम इस मेथड तो को यूज़ करते हैं एज अ टूल तो व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स एंड डिसएडवांटेजेस दैट वी फेस अक्रॉस सो दीज आर द थिंग्स वीच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गर्ल्स सो लेट्स बिगिन विद टू डेफिनेशन ऑन क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन ईयर इज़ अ टूल फॉर कलेक्टिंग वैराइटी ऑफ डेटा इट मे इंक्लूड सीरीज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल कल्चरल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह से कोई भी जो प्रश्न है उसका आधार बेसिकली होता है तो प्रश्नावली विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र करने का एक उपकरण है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक आदि से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है और इसके अलावा भी और भी श्रृंखलाएं शामिल हो सकती हैं डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ क्वेश्चन रिसर्च क्या है और आप किस सेंट्रल uh, क्वेश्चन पे अपने जो है आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हैं देन इट इज़ अ डेटा ऑफ इट इज़ अ टूल ऑफ़ डेटा कलेक्शन ये डेटा संग्रह का एक उपकरण भी है और uh, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें हमें ये हेल्प करता है काफ़ी और अगर हम सम uh, इस, इसको समझने का प्रयास करें कि एक अच्छी प्रश्नावली क्या होगी गुड क्वेश्चन क्या होगा तो उसके लिए वी शुड कीप इन इन माइंड फ्यू थिंग्स विच आर मैं इन द स्लाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इट शुड हैव अ पर्पज देन द लैंग्वेज वॉच विच वी आर यूजिंग वायर फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चन एयर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है किस तरह से हम उसको फ्रेम कर रहे हैं फिर देन है हम uh, जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन है हमने uh, किस तरह के क्वेश्चन को पहले रखा है किस तरह के क्वेश्चन को बाद में रखा है ऐट द एंड रखा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंथ ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन ईयर क्या है किस तरह का हमारा लेंथ है कितना है कितना बड़ा है हमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स किस तरह के हम अपने क्वेश्चन ईयर में किस तरह के रिस्पॉन्स हमें चाहिए क्लोज एंडेड चाहिए ओपन एंडेड चाहिए जिसके बारे में आगे मैं चर्चा भी करूँगी कि फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है तो अगर इसको हम हिंदी में समझें एक अच्छी प्रश्नावली को ध्यान में रखना चाहिए ये निम्न बातों को उद्देश्य भाषा संदर्भ का ढांचा सवालों की व्यवस्था प्रश्नावली की लंबाई प्रतिक्रिया का रूप कि हमें प्रतिक्रिया कैसे चाहिए वो हमें बताना होता है और हमें डिफाइन करना होता है अपने क्वेश्चन ईयर के अंतर्गत तो बेसिकली स्टूडेंट्स पर्पज़ तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए सबसे पहला कि हम प्रश्नावली जो डेटा एनालिसिस uh, का ये टूल है हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं वाई आर वी यूजिंग इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर दैट इन आवर माइंड दैट वेदर वी आर डूइंग एनी रिसर्च वेदर वी आर कलेक्टिंग द डेटा फॉर एनी एन जी ओ फॉर एनी इंस्टीट्यूट फॉर एनी थिंग व्हाट्स ओ एवर फॉर एनी सर्वे ऑनलाइन सर्वे सो दैट पर्पजस नीड्स टू बी क्लियर बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज यू हैव द नेचर ऑफ द क्वेश्चन ईयर ऑल्सो गेट्स चेंज एंड वी फ्रेम आवर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट ओके सो देन हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एयर सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन कुछ जो टाइप्स हमारे हैं यहाँ पे आप देख रहे होगे उसमें स्क्रीन पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है और बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट हम इसे कहते हैं क्योंकि इट इज़ अपोज डेफिनेट एंड कंक्रीट क्वेश्चंस तो इसमें बहुत ही कंक्रीट क्वेश्चंस और डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं एंड इट इज प्रिपेय वेल इन एडवांस एंड नॉट ऑन द स्पॉट और ये आ, मतलब हम पहले से इसे तैयार करके जाते हैं स्पॉट में तैयार मतलब स्पॉट में जाके फील्ड एरिया में जाके हम इसको आ, मतलब फ्रेम करें ऐसा नहीं होता है तीसरा जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ईयर के अंतर्गत है द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रिस्पांस सच एज क्लोज और ओपन और ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर है जो संरचित होता है जो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें भी जो जो रिस्पॉन्स होंगे वो क्लोज होंगे और ओपन होंगे, क्लोज भी हो सकते हैं रिस्पॉन्स ओपन भी हो सकते हैं तो संरचित अब हम अगर हिंदी में देखें मुद्रा निश्चित और ठोस प्रश्न पहले से तैयार और मौके पर नहीं सी प्रश्नों के रूप में प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है जैसे कि बंद या खुली हुई प्रश्न या खुला प्रश्न किस तरह से हम रखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर में ये सारी बातें होती हैं कि सबसे पहले इट इट इज पोजिंग अ डेफिनेट एंड कंक्रीट क्वेश्चन कंक्रीट क्वेश्चन होते हैं इसके हमें पता होता है कि हमें यही पूछना है पहले से ही हम उसे एडवांस में प्रिपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड होते हैं स्पॉट में हम नहीं उसको करते हैं और इस इस तरह से हम जब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में भी मेयर में भी हम

ओपिनियन यानी नो ओपिनियन आदि प्रतिक्रियाएं होती हैं बेसिकली वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या दैट मीन्स दैट योर रिस्पॉन्स इज क्लियर कट आई यू हैव टू टिक येस और टिक नो no, नो no में टिक करना है नो no ओपिनियन आप न्यूट्रल हैं तो आपका कोई ओपिनियन नहीं है तो क्लोज में हमारे पास रिस्पॉन्स जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं हो सकता अपनी जो व्यू पॉइंट्स हैं अपनी प्रतिक्रियाओं को बताने का सो द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और वी ऑल्सो से ओपन एंडेड क्वेश्चनियर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चनियर दे आर फ्री एंड स्पॉन्टेनियस and they uh, facilitate such uh, spontaneous expressions uh, of uh, view. It's mainly used for intensive study and qualitative analysis of situations. The respondent is asked to write a descriptive essay and report details on events without any restrictions. अब हम इसे हिंदी में देखेंगे प्रश्नावली के खुले रूप स्वतंत्र और सहज अभिव्यक्ति हैं। इसका मुख्य रूप से गहन अध्ययन और स्थितियों के गुणात्मक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिवादी को बिना किसी प्रतिबंध के घटनाओं पर कोई लेख लिखना होता है या निबंध लिखने के लिए और विवरणों को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा जाता है सो बेसिकली दिस ओपन एंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एयर It is uh, uh, very free where you can uh, freely express your views. Then uh, it is it helps in the intensive study if uh, there is in depth analysis needed, uh, any detailed study is needed for any form of uh, research. And that also uh, for that we uh, for the prefer open ended uh, type of uh, questionnaire because that helps us to analyze better. The respondent many times they are asked to write and descriptive essay or their views or they all they are also sometimes asked to report details on events and there is no uh, restrictions that they are in open ended question because open ended question facilitates free exchange of opinions free exchange of views free exchange of ideas where you can facilitate what you want okay so next we are moving to the next slide that is the unstructured questionnaire अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स इन दैट अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनअर्स वी हैव फ्लेक्सीबिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी इज द चीफ एडवांटेज ऑफ द अनस्ट्रक्चेड क्वेश्चन इट इज फ्रेम टू ऑपटेन व्यू पॉइंट्स ओपिनियंस एंड सजेशंस विच इज नॉट फीसिबल इन फॉर्मल क्वेश्चनिंग नो प्री डिटर्माइन रिस्पॉन्सेज आर प्रोवाइडेड बट फ्री रिस्पॉन्सेज आर इन्वाइटेड ओके इसको हम दोबारा समझते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली लचीला पर असंरचित प्रश्नों का मुख्य लाभ है इसे ऐसे दृष्टिकोण राय और सुझाव प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है जो औपचारिक पूछताछ में संभव नहीं है कोई पूर्वानिधारित निर्धारित प्रतिक्रियाएँ प्रदान नहीं की जाती लेकिन मुफ्त प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की जाती हैं बेसिकली क्या है कि जब हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स फ्रेम कर रहे होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कोई एक सेट नॉर्म्स नहीं होता है एक पैटर्न नहीं होता है कि हम इसी uh, जो है पैटर्न uh, में फ्लो में हमें जो क्वेश्चन है वो तैयार करना है तो इट इज़ फ्रेम्ड इस तरह से फ्रेम किया जाता है ये ध्यान में रख के कि हमें लोगों के व्यूज़ लेने ओपिनियंस लेने हैं तो इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल डू यू डू यू थिंक दैट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट ही ऐसे करते हैं सो दैट कि हम उनसे व्यूज लें और उसमें हम कोई येस yes, नो no, या नो no ओपिनियन करके कोई हम सेट ऑफ जो आइडियाज़ है वो पहले से ही नहीं देते तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपने अपनी तरफ से फ्री होता है एक्सप्रेशंस देने के लिए और व्यू पॉइंट्स अपने एक्सप्रेस करने के लिए

तो पहला तो फ़ायदा यह है पॉपुलर मीन्स ऑफ कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन रिसर्च इट इज़ वाइडली यूज इन रूरल डेवलपमेंट रिसर्च अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र करने के लोकप्रिय साधन हैं ग्रामीण विकास अनुसंधान में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है बेसिकली इफ़ वी आर फॉलोइंग एनी रूरल डेवलपमेंट रिसर्च कोई एम के लिए काम कर रहे हैं या कोई संस्था के लिए काम कर रहे हैं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं तब भी क्वेश्चन यान मैथड बहुत ही हेल्पफुल होता है कि हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और इनफैक्ट हमारे अपने पर्सनल रिसर्च चाहे वो एम का वर्क हो चाहे पी का वर्क हो या किसी हम कोई हम पोस्ट डॉक कर रहे हों तो इस तरह के हमारे इंडिविजुअल रिसर्चर को भी ये बहुत हमें जो है हेल्प करता है इन द लॉन्ग टर्म दैन द सेकेंड पॉइंट इज द रिस्पॉन्डेंट्स हु आर नॉट इज़ीली अप्रोचेबल दे कैन ऑल्सो बी रीच्ड कन्वीनियंटली उत्तरदाताएं मतलब जो भी उत्तर देने वाले लोग जो लोग हैं को आसानी से जो स्वीकार नहीं होता है वे भी आसानी से वो पहुंच सकते हैं उन तक भी हम पहुंच सकते हैं जो लोग हम जिनको हम नहीं रीच कर सकते कई बार हो सकता है कि कई बहुत लोग रिमोट एरिया में रहते हैं और हम मेल कर देते हैं क्वेश्चनियर क्वेश्चनियर को मेल करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाते हैं देन तीसरा जो बेनिफिट uh, है लार्जर सैम्पल्स कैन बी मेड यूज ऑफ एंड दस द रिजल्ट कैन बी मेड मोर डिपेंडेबल एंड रिलाईबल बड़े नमूनों का उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार परिणामों को अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय बनाया जा सकता है बेसिकली जब हम क्वेश्चन ईयर मेथड फॉलो करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हमने लार्ज सैंपल लार्ज सैंपल साइज लिया है क्योंकि इससे क्या होता है जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और डिपेंडेबल भी होते हैं और हेल्प करते हैं अपने रिसर्च को, को के जो जो मतलब एनालिसिस है उसको हम बेटर कर सकें अपने रिसर्च के और आउटकम को भी हम उससे बेटर कर सकें देन फोर्थ पॉइंट है दे आर यूज बोथ टू इनिशिएट फॉर्मल इंक्वायरी एंड ऑल्सो टू सप्लीमेंट एंड चेक डेटा प्रीवियसली प्रीवियसलीटेड उनका उपयोग औपचारिक पूछताछ शुरू करने और पहले से संचित डेटा की जाँच करने के लिए भी किया जाता है बेसिकली क्या होता है क्वेश्चन एयर मेथड जब हम एक फॉर्मल इंक्वायरी कर रहे होते हैं आ, कहीं पे भी औपचारिक पूछताछ कर रहे होते हैं ये किसी भी सिचुएशंस पे या पॉलिटिकल कंडीशंस पे या सोशल प्रॉब्लम्स पे सोशल इश्यूज पे तो हम क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पहले डेटा कलेक्ट किया गया हो उसको भी अगर हम चेक एंड बैलेंस करना चाहते हैं और उस पर भी हम एक रिव्यू करना चाहते हैं तो हम इस तरह की चीज़ों को मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं देन इट इज़ फ्री from द bias ऑफ द interviewer as answers are in respondent's own words. बेसिकली क्या होता है यहाँ पे साक्षात्कार जो करता है कि पूर्वाग्रह से ये जो पूरी मेथड है वो मुक्त होती है क्योंकि उत्तरदाता स्वयं के शब्दों में उत्तर देते हैं क्योंकि वो जो क्वेश्चनियर है वो अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो अपने व्यू पॉइंट्स उसमें एक्सप्रेस करेंगे अपनी जो क्वेश्चंस है उसमें एक्सप्रेस करेंगे और अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है स्ट्रक्चर्ड है तो भी अगर वो हाँ या ना में आंसर दे रहे हैं तो वो अपने खुद के व्यू पॉइंट दे रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन एयर जो जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उसके जो बायसनेस होने की संभावनाएँ थोड़ी इंटरव्यू मेथड से यहाँ पे कम होती हैं सो लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन टूडे uh, we are heading अ लॉन्ग डिस्कशन बट but पॉइंट्स दे वे वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस डीमेरिट्स यानी लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चन एयर मैथड प्रश्नावली विधि की जो सीमाएं हैं या आलोचनाएँ हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जो इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी यूज विद चिल्ड्रेन एंड इलिटरेट्स इसका उपयोग बच्चों और अनपढ़ों के साथ नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं बच्चे उन्हें आइडिया नहीं है कि हम क्या भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे तो कई बार तो चलो येस और नो तो फिर भी यू कैन आस्क टू चिल्ड्रेन बट दैट ऑल्सो आई डोंट थिंक दैट इट इज सपोर्टिव दिस होल क्लॉज चिल्ड्रेन दे दे बी एबल टू गिव अस प्रॉपर रिस्पॉन्स द सेकेंड इज लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ड्यूली फिल्ड इन क्वेश्चन बाय ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स प्रश्नों में भरे गए विधिवत रिटर्न की कम दर प्रतिक्रिया न होने के कारण पूर्वाग्रह बेसिकली क्या है कि जो हमारे फील्ड इन क्वेश्चन एयर होते हैं कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा पूछे होते हैं और हमें आंसर जो जो फिल करके मिला होता है वो बहुत कम हो रहा होता है या जो हमें रिस्पॉन्स है उस तरह से नहीं मिल रहे होते और कई बार जो रिस्पॉन्स मिल रहे होते हैं वो बायस भी होते हैं तो इस तरह की जो क्वेश्चन एयर मेथड है उसमें ये प्रॉब्लम आती है फिर तीसरा है देर इज़ नो चेक ऑन द रिस्पॉन्डेंट हुटरप्रेट्स अ क्वेश्चन और गिव्स इनकम्प्लीट और इनडेफिनेट रिस्पॉन्स प्रतिवादी पर कोई जाँच नहीं कि जो किसी प्रश्न का गलत वर्णन करता है या अपूर्ण अनिश्चित प्रतिक्रिया देता है क्योंकि हम जो जब क्वेश्चन ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई क्वेश्चन ईयर स्पीड पोस्ट करते हैं या मेल कर देते हैं कहीं पर या हम किसी के थ्रू भिजवा देते हैं क्वेश्चन ईयर तो हमारा खुद के क्योंकि रिसर्चर वहाँ मौजूद नहीं होता और वो इसलिए भी और कई बार ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज में जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो लैंग्वेज भी उस एरिया का अलग होता है तो हमें अपने साथ एक हेल्प हेल्प हेल्पिंग हैंड लेना पड़ता है जो उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करे तो इसलिए भी हो सकता है कि कई बार हम लोग वहाँ मौजूद नहीं हो उस चीज़ों को चेक करने के लिए कि जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन उसे समझ में आया नहीं आया वो कम्प्लीट आंसर दे इनडेफिनेट रिस्पॉन्स ना दे ये सारी चीज़ों को के चेक एंड बैलेंस को सुनिश्चित करना हर बार रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं होता है अगर वो वहाँ पे एट ए टाइम मौजूद नहीं है तो देन इट इज लाइकली टू बी स्लोएस्ट ऑफ ऑल तो ये हो सकता है कि इसके जो जो भी इसकी ये धीमा बहुत काम करे ये वाला पूरा प्रोसेस इसलिए भी क्यों क्योंकि क्वेश्चन ईयर मेथड जब हम क्वेश्चन तैयार करते हैं एक तो कई बार क्वेश्चन इतना ज़्यादा लंबा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है एक एक रिस्पॉन्स लेने में और कई बार क्वेश्चन भी इतने कठिन होते हैं समझ में भी नहीं आता और कॉन्टेक्स्ट हमें समझाना होता है तो मैनी uh, uh, जो हमारे ये हैं लोग हैं स्कॉलर्स हैं और जो uh, जो जिन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं सर्वे रिसर्च पे वो ये कहते हैं कि ये जो मेथड है क्वेश्चन ईयर मेथड वो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें जो Uh, प्रक्रियाएं हैं उसके आधार पर हमें चीज़ों को करना पड़ता है तो क्वेश्चन एयर मेथड कुड भी अ स्लोएस्ट मेथड बट स्टिल व्हाट आई पर्सनली फील एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट क्वेश्चन एयर मेथड इज़ अ गुड एनालिटिकल टूल टू गेट द बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव डेटा सो सर्वे रिसर्च के लिए ये प्रश्नावली का चयन करना सही प्रश्नावली का चयन करना क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं लैंग्वेज कैसा होना चाहिए हमारा कि हमें रिस्पॉन्स समय पे मिल जाए ये बहुत सारी बातें हैं तो जैसे हम और भी टॉपिक्स करेंगे ये साक्षात्कार पे करेंगे और फिर मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करूँगी कि प्रश्नावली और शेड्यूल जो है अनुसूची प्रक्रिया है उन दोनों में क्या अंतर है So uh, you will obviously benefit uh, students from uh, PUSR lectures and uh, e political science lecture. So I believe that uh, we had a good discussion and I was fair enough in uh, discussing all the <coughs> uh, subtopics of the questionnaire method. So please refer these uh, slides, refer the talk which I have dealt with you. I have also given. Uh, in description box certain connections certain links so stay connected students stay stay tuned so that we can uh, uh, do better uh, in coming days and more and more topics can be taken care of which you feel are important for your study so uh, please uh, stay connected and let me know which are the topics which you are finding difficult in public opinion and survey research and we can stay connected thank you all the best